हम सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अभी जब मुफ्ती भाई ने मुझे आवाज़ दी थी, दो तीन वीडियो छोड़ी हैं उन्होंने कि ताहिर से मैं शौक करना चाहता हूँ 400-400 को। आज मैं उनके इलाके में आया हुआ हूँ, मगर इन लोगों को किसी का पता नहीं। कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, बार बार इनको फ़ोन कर रहा है मगर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। ये है कि मेरा पैगाम इन तक पहुँचे, जब ये टाइम दें जब मैं आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम शौकीन नजरा, जितने भी कराची के मेरे जितने भी बड़े उस्ताद हैं, खलीफा हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। कुछ दिनों पहले आपने वीडियो वायरल हुई कुरंगी में से, इन्होंने आवाज़ दी थी राम सामने के, पूरा कराची को मैं आवाज़ देता हूँ, कोई भी आके शौक कर ले हमसे। हम लोग हमने इनको आवाज़ को लबैक करा तो उन्होंने कोई आए कुरंगी ये लोग बगैर बताया है। हमने इनको टाइम दिया, इनको फूल अटेंड किया, हमने इनसे कबूतर लाने की बात की, लेकिन वहाँ कबूतर सुलह सफाई में बात पहुँच गई। लेकिन अब हम रामसामी आ चुके हैं कबूतर लाने, इनसे दो घंटे से कंटिन्यू इनको कॉल भी कर रहे हैं, ना मुकीम भाई फ़ोन उठा रहे हैं, ना मकरानी साहब फ़ोन उठा रहे हैं, ना मुकीम भाई फ़ोन उठा रहे हैं, ना सुमेर भाई तो कंटिन्यू फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, इनके नंबर वंबर भी बने। हम लोग आ गए भाई, जब इन्होंने बोला जितने ये बड़ी छत दें फालतू बात करेंगे नहीं, हम लोग इनसे सुलह सफाई के बाद चले जाती है, उस सुलह सफाई करना नहीं चाहते, प्यार से शौक करेंगे, जितनी बड़ी छत दें उतने कबूतर लगाएं इनसे, और जिस दिन ये बोले उस दिन कबूतर लड़ेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक कबूतर इनसे लड़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, ताहिर भाई और हमारी टीम, मुकीम भाई से और सुमेर भाई से, जब दिल चाहे जब भी कबूतर लाने के लिए तैयार है। ये कंटिन्यू दो घंटे से हम लोग फ़ोन करें, दो घंटे से हम लोग रामसामी में बैठे हुए, कुरंगी से आए, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। हम लोग कुरंगी के रामसामी इलाके में आके बैठे हुए, ना ये घर पे मिले, जब ये हमारे इलाके में आए तो हमने इनको टाइम दिया, प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर ये खलीफाओं को लेकर आए, हमारी बात नहीं बनी लड़ाने पर। लेकिन अब हम इनके इलाके में आए, ये बोल रहे हैं बैठक के बाद लड़ा लें, ये अभी बोलते हैं अभी लड़ाएं, भले अगले हफ्ते में लड़ाएं, अगले महीने, हमारे कबूतर तैयार है, हमारे रेडी कबूतर हैं, जिस दिन ये बोले उस दिन हमसे शौक करें, कि जितनी बड़ी छत ये देंगे उतने ये हमसे हम उतना शौक करेंगे, वरना ये है ना हम इनको छत देते हैं हमसे कबूतर ला लेंगे, लेकिन इनसे कबूतर लाने हम कुरंगी आए, ना कुरंगी से रामसामी इतनी दूर आए तो लाने ही आए होंगे मेरे भाई। आप लोगों इनको मैसेज इन लोग को देंगे हमसे, हमारा इनसे शौक करेंगे, हमारी बात का रिप्लाई करें। भाई मुकीम भाई के साथ ये जुबैर भाई और मोहम्मद बिन उस्ताद के लड़का जुबैर, जो दो दोस्तों की आवाज़ दे रहा था, वो भी आ जाए, और आज़म जो टुर्रियाँ उड़ाने वाले हैं क्या समझे, ये भी आ जाए। इन्होंने बेचारों ने कभी अपनी छत पे 5 कबूतर रखे नहीं, दूसरी की छतों पे जाके आवाज़ें देते हैं, ये आ जाए, मैं तैयार हूँ, टाइम दे दें मुझे, मैं आज आया था कोई मिला नहीं, जो टाइम देंगे मैं आ जाऊँगा। और पूरी कराची को कहते हुए मैं ताहिर भाई कबूतर लगाने से भाग रहे, तो ताहिर भाई आज बैठे हुए, उन्होंने बोला रामचंद्री आवाज़ आओ, हम उसी टाइम आ जाएंगे, दो घंटे हो गए हम लोगों को तुरंगी से आए थे, और उनसे कसम लेके पूछ लेना, उन्होंने एक फ़ोन किया मैं रात के 11:30 बजे हम तुरंगी आए, उनके 5 मिनट में इनके पास पहुँच गया, तो इनसे हमारी बात नहीं बनी कबूतर लगाने की कोई भी, तो इन्होंने बोला भाई दिन बताइए, आज 2 महीने हो गए उन्होंने कोई हमें दिन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लिहाजा आयोग हम खुद उठते इनके पास आ गए, मतलब इनसे शौक है इलाके से आए थे, बताओ वो जगह आप न्याय जो घर रामचंदी ये पूरी रात रौनक रहती है, ये उधर से गया क्या भाई, कुरंगी तो है नहीं जो रात के 12-1 बजे सन्नाटा हुआ। और सुमेर भाई ने लास्ट टाइम ये कहा था कि तुम मेरे इलाके में आओ मैं शौक करूँगा, तो हम इनके इलाके में आ गए यार, फ़ोन मिला है, फ़ोन उठाए हमारा अटेंड करें, मैं पर्चा बनवाए शौक करें, जितने कबूतर ये बोल रहे थे लाने के लिए तैयार है, हम आ गए यार सुमेर भाई, बड़ी ख्वाहिश है आपसे मेरी कबूतर लाने की, आप जब दिल चाहे मुझे मुकीम है और आप शौक करें, पूरे कराची में मुझे छत देते हैं शौक, आज छत दें कल कबूतर छूटेंगे, परसों आपसे मेरी कुश्ती, और जाल की हार मार लड़ाऊंगा मैं आपसे, भले 1000 कबूतर लाएं 500 कबूतर लाएं, जाल की हार मार लड़ाऊंगा मैं आपसे। बहुत है।